वेलकम टू A18 तेलंगाना न्यूज़। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन जावेद जैरो मर्डर केस कंडक्टेड बाय DCP साउथ जोन इंचार्ज डॉक्टर गजारो भोपाल IPS नबी द फाइव एक्यूज्ड। DCP ब्रीफ द मीडिया अबाउट द केस रिपोर्टेड बाय अहमद। कत्ल हुआ एक जाड़ो जावेद बोल के नमक का रोडी शीटर है, इसको खालिद होटल अंसारी रोड पे मार दिया गया। उसी केस के वास्ते आज 5 लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 लोग जूनियल से छोटे उम्र के हैं, तो इसलिए उसको यहाँ प्रेस मीट में नहीं पेश कर रहे। और इसका वजह एक है, उसी दिन शाम को जाड़ो जावेद ने इन लोगों को रोक के उसको धमकी दिया, इसी के वास्ते इसके मन में रखते हुए उसी रात को ये लोग सब एक साथ गए और खालिद होटल को जो जाड़ो जावेद रोज रात को आता है वहीं पे उसको मार दिया, वहीं वो गिर गया और उसको हॉस्पिटल ले उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गए, वहीं उनको डिक्लेयर डेड घोषित किया गया। और इसी केस में और कुछ लोग को भी अभी अरेस्ट करना बाकी है, उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। मारने की वजह उसी दिन शाम को जाड़ो जावेद ने उनको रोक के उनको धमकी दिया, उस पर झगड़ा हुआ शाम को 3-4 बजे टाइम पे, उसके मन में रखते हुए और रात को सब लोग इकट्ठे हुए जमील के, उसने सब लोग को इकट्ठा किया और वहां जाके उसको मार दिया गया। अभी तक 7 लोग है जिसपे हमारे इन्वेस्टिगेशन में, 5 लोग अरेस्ट हो गए और कुछ भी हो सकते हैं, और कोई इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें जो कंस्पिरेसी में इनसे प्लानिंग में वो पूरा, अभी जो 2 लोग बाकी है उनको पकड़ने के बाद पूरा फाइनल हो जाएगा। नहीं, वो लोग रास्ते में जा रहे हैं और रोक के उसको रोका और उसको झगड़ा हुआ और झगड़ा में वो धमकी दिया हो। जाड़ो जावेद जो है उसका बहुत केस ऐसे है उनके ऊपर, रोड़ी शीट गए और उसी रात ये लोग आके मार दिए। कंफ्यूजन था क्योंकि वो पॉइंट जो है वो 3 रोड वो मिलने का पॉइंट है और वही पॉइंट है जो है वो 3 पुलिस स्टेशन का, एक साइड फलकनामा पड़ता रोड का, एक साइड मलारदेव पल पड़ता और एक साइड काला पत्थर। तो ये गिरना भी वो जो गिरा है वो पॉइंट भी ये 3 पुलिस स्टेशन का मीटिंग पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वही डिमार्केशन बॉर्डर है 3 पुलिस स्टेशन का। नहीं, इसने जो शाम को वो झगड़ा हुआ उसमें जाड़ो जावेद ने जमील को फादर को बोला कि तुम्हारा बाप चोर है, तो क्या बोलते वो बोलते करके उसको फादर को गाली दिया, जमील का फादर को जो मर गया इसको ये लोग मारे, उसने धमकी उसको ऐसा बोला, उसको फादर को गाली दिया।